आज अपनी इस खास पेशकश में हम आपको अहमदाबाद के साइंस सिटी के अद्भुत संसार की सैर कराएंगे। पीएम मोदी के वाइब्रेंट गुजरात के सपनों को आकार देने के लिए साइंस सिटी की नींव रखी गई थी, जिसमें अब रंग बिरंगी मछलियों की दुनिया यानी एक्वेटिक्स गैलरी, अत्याधुनिक रोबोटिक्स गैलरी और नेचर पार्क बनकर तैयार हो चुका है। आप भी देखिए। पानी में तैरती रंग बिरंगी दुर्लभ मछलियां, संगीत की धुन पर थिरकते रोबोट, और मोगली का ये जंगल जहां असली तो नहीं हां नकली जानवर आपको जरूर देखने को मिलेंगे। एक से बढ़कर एक ऐसे सुंदर नजारे देखकर आपको लग रहा होगा कि हम कहीं स्वप्न लोक की सैर तो नहीं कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये हकीकत है जिसकी रचना गुजरात के अहमदाबाद में की गई है और नाम दिया गया है साइंस सिटी अहमदाबाद। ये साइंस सिटी पीएम मोदी के वाइब्रेंट गुजरात के सपने को हकीकत में बदलने की एक पहल है, जिसे विज्ञान और कला और प्रकृति के संगम से बेहद भव्य और अद्भुत बनाया गया है और जल्द ही पीएम इसका उद्घाटन करेंगे। अहमदाबाद साइंस सिटी में पहले फेज का काम खत्म होने के बाद अब दूसरे फेज का काम भी खत्म हो गया है, जिसे तीन हिस्सों में बांटा गया है। एक्वेटिक गैलरी, रोबोटिक्स गैलरी और नेचर पार्क बनकर तैयार है। इसमें से एक है एक्वेटिक गैलरी, दूसरा है रोबोटिक्स गैलरी एंड तीसरा जो मेरे पीछे दिख रहा है वो नेचर पार्क है। ये एक विशाल एक्वेरियम है जो शायद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हो सकता है। इसके बाद में रोबोटिक्स गैलरी है, वो सब दिखाया गया है और ये अहमदाबाद के इस क्षेत्र में ये एक बड़ा उद्यान नेचर पार्क हमने विकास किया है जो करीब करीब 8 हेक्टर से भी अधिक हेक्टर में फैला हुआ है। सबसे पहले बात एक्वेटिक गैलरी की तो ये वो गैलरी है जहां पहुंचकर आपको समंदर में होने का एहसास होगा। शीशे से बनी इस गैलरी जिसे हम एक्वेरियम भी कहते हैं, उसके चारों ओर पानी है जिसमें रंग बिरंगी दुर्लभ प्रजाति की मछलियाँ और खतरनाक शार्क आपके आसपास तैरते नजर आएंगे। साइंस सिटी के अंदर जो एक्वाटिक गैलरी बनी है वो अपने आप में एक अद्भुत गैलरी है और उस गैलरी में जो शार्क टर्नल है वो सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है। आपको लगेगा कि आप समंदर के अंदर है और आपके आसपास जो है वो समुद्री जो जीव है वो मंडरा रहे हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरक्की को दर्शाता ये है रोबोटिक्स गैलरी, जहां आधुनिक रोबोट आपको आम आदमी की तरह हर तरह के काम करते नजर आएंगे। रोबोटिक्स में जैसे मैंने आपको बताया कि 79 भिन्न प्रकार के रोबोट्स हैं और वो मेडिसिन के काम में कैसे आता है, खेतीबाड़ी के काम में कैसे आता है, अगर भूकंप हो जाए और मकान गिर गया हो तो रिसर्च रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे किया जाता है, ये सब चीजें यहाँ पर दिखाई है। नेचर पार्क, अब जरा साइंस सिटी में बने इस नेचर पार्क का नजारा देखिए। विशालकाय एंट्री गेट, जगह जगह हरियाली और इसके बीच जानवरों के ये स्टैचू आपको मोगली के जंगल की याद दिला देंगे। इस पार्क में बच्चों के मनोरंजन के तमाम साधन मौजूद हैं, तो इसकी सुंदरता में 4 चांद लगाने के लिए यहाँ एक बोटिंग क्लब भी बनाया गया है। तो देखा आपने विज्ञान और कला का ये अनूठा नमूना, लेकिन साइंस सिटी का मजा लेने के लिए फिलहाल आपको कुछ दिन और इंतजार करना होगा, क्योंकि पीएम के हाथों उद्घाटन होने के बाद ही ये आम लोगों के लिए खुल जाएगा। अहमदाबाद से पूरव पटेल की रिपोर्ट। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की दुनिया एडवांस हो चुकी है, अब आम इंसान की तरह रोबोट भी हर काम कर सकते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में रोबोट कैसे अहम हिस्सा बनते जा रहे हैं, इसको परखना और करीब से समझना है तो अहमदाबाद के साइंस सिटी में ये मौका आपको रोबोटिक्स गैलरी का नजारा देखकर मिलेगा, जहां 200 से ज्यादा रोबोट्स आपको हैरान करने के लिए हाजिर हैं। डांस करने वाला रोबोट, बैंड बाजा बजाने वाला रोबोट, फुटबॉल खेलता रोबोट,
सर्जरी करता रोबोट। ये है रोबोट का अनोखा संसार। आज विज्ञान कितनी तरक्की कर चुका है इसका जीता जागता उदाहरण है ये रोबोटिक्स गैलरी जो अहमदाबाद की साइंस सिटी में तैयार हो चुकी है। इस रोबोटिक्स गैलरी में करीब 200 से ज्यादा रोबोट रखे गए हैं। 10,000 वर्ग मीटर में फैली है रोबोटिक्स गैलरी। यहाँ रोबोट का इतिहास और रोबोट तकनीक का भविष्य में इस्तेमाल के बारे में लोगों को बताया जाएगा। रोबोटिक्स गैलरी में कई प्रकार के रोबोट हैं और आम इंसान की तरह हर काम कर सकते हैं। वो चाहे साफ सफाई करनी हो, नाचना गाना हो, खेलना कूदना हो या फिर खेतों में काम करना हो। झाड़ू निकालने वाला भी रोबोट रखा है, प्रेस करने वाला भी रोबो है, कांच साफ करने वाला भी रोबो है, रोबो पेंटर भी है, 3D प्रिंट भी रोबो कर सकता है। आपकी मूर्ति बनानी है तो रोबो आपका मूर्ति भी बना देगा। अब हम आपको रोबोटिक्स गैलरी की सैर कराते हैं। गैलरी के गेट पर आपको विशालकाय रोबोट देखने को मिलेंगे जो किसी हॉलीवुड फिल्मों के विलेन लगते हैं। फिर अंदर जाते ही ये रोबोट आपका स्वागत करेगा, आपसे हाथ मिलाएगा। और अब ये देखिए, यहाँ बच्चों के बीच मशहूर कार्टून कैरेक्टर मिनियंस की शक्ल लिए ये छोटे छोटे रोबोट्स फुटबॉल खेल रहे हैं। छोटे छोटे जो खूबसूरत रोबोट है वो सॉकर खेल रहे हैं और इसके अलावा कई सारी ऐसी गेम है जो आपको रोबोट खेलते हुए नजर आ जाएंगे। ये आपने सॉकर देखा और अब यहाँ पर जो है वो रोबोट की फाइट होगी। ये देखिए, बस एक्टिव होने ही वाले हैं और ये रोबोट जो है वो अपने आप में आपको फाइट करते हुए नजर आएंगे। रोबोटिक्स गैलरी बच्चों के लिए आकर्षण का केंद्र तो रहेगी, साथ ही यहाँ स्टूडेंट्स को रोबोट बनाने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। साथ ही ये भी सिखाया जाएगा कि कैसे रोबोट रोजमर्रा की जिंदगी में अहम होते जा रहे हैं। जैसे कि ये आधुनिक रोबोट 3D पेंटिंग भी कर सकते हैं तो सर्जरी में भी इनका हाथ साफ। ये फैक्ट्रियों में भी काम कर सकते हैं, साफ सफाई से लेकर खेतों तक में काम आ सकते हैं। यहाँ पर आपको रोबोट सर्जरी करने को देखने को मिलेगा, यहाँ पर रोबोट आपका साफ सफाई का ख्याल रखेगा। इस तरह के छोटे छोटे जो माइक्रो रोबोट्स है वो भी आपको दिखाई देंगे। और दूसरा आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए, इंडस्ट्री में यानी कि आजकल जो इंडस्ट्री है वो भी रोबोटिक हो गई है, यानी ये इंडस्ट्री जो है वो भी रोबोट के ज़रिए चलती हुई आपको दिखाई दे रही है। और आपको दिखाना चाहूँगा कि आजकल हम देखते हैं कि किसानी यानी एग्रीकल्चर रोबोट्स ड्रोन के ज़रिए जो है वो किसान अपने खेतों में दवाई डालता है, तो वो रोबोट्स भी यहाँ पर आपको दिखाई देगा। काम के अलावा ये रोबोट बैंड बाजा भी बजा लेते हैं तो डांस भी कर सकते हैं। जरा इसका नमूना भी देखिए, कैसे सुरताल के साथ ये रोबोट बॉलीवुड धुनों पर थिरक रहे हैं। ततर ततर सॉन्ग पर जो है वो आपको डांस करते हुए नजर आ जाएंगे। तो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा आविष्कार है और ऐसी रोबोटिक गैलरी पूरे देश में नहीं होगी जिस तरह की ये रोबोटिक गैलरी बनाई है। ये देखिए, ये रोबोट भी म्यूजिक बजाता हुआ आपको नजर आ रहा है और दूसरा ये पीछे जो रोबोट है वो पियानो पर म्यूजिक बजा रहा है। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी और ज्ञान, इन दोनों का अद्भुत जो संगम है वो इस रोबोटिक गैलरी में लोगों को देखने को मिलेगा। और ख़ास तौर पर जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि बच्चे काफ़ी रोमांचित होंगे इस अद्भुत रोबोटिक गैलरी को देखते हुए, जहां पर सारा जो काम है वो रोबोट करते हैं। अहमदाबाद से हेतल खत्री के साथ पूरव पटेल, न्यूज नेशन। साइंस सिटी में आपको मछलियों का भी अद्भुत संसार देखने को मिलेगा। 22 मीटर लंबी टनल में आपको यहां खतरनाक शार्क देखने को मिलेंगे। देखिए हमारे संवाददाता पूर्व पटेल की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बाईस मीटर लंबे टनल में खतरनाक शार्कों के बीच से निकलने का रोमांच। छोटे से लेकर विशाल काय मछलियों को नजदीक से देखने का अनुभव, समंदर के अंदर से होकर गुजरने का एहसास, ये सब मुमकिन होने वाला है अहमदाबाद के साइंस सिटी के एक्वेटिक गैलरी में जो बनकर तैयार है। और यहां आपको पानी के अंदर रहने वाली
दुनिया भर से लाई गई अलग अलग कई दुर्लभ प्रजातियों की मछलियों को करीब से देखने का मौका मिलेगा। एक्वेटिक्स गैलरी 260 करोड़ में बनकर तैयार हुई है, जो 13,000 वर्ग मीटर में फैली है। इसमें 70 पानी के बड़े बड़े टैंक लगाए गए हैं, जहां 200 प्रजातियों की 12,000 मछलियां रखी गई हैं। यहां एक 22 मीटर लंबी शार्क टनल भी है। इसे 4 जोन में बांटा गया है और एक्वेरियम के लिए भारत, एशिया, अफ्रीका और अमेरिका से समुद्री प्रजातियां मंगाई गई हैं। इसकी एक विशेषता ये है कि ये मीठे पानी के जलचर सृष्टि एवं ब्रैकिश वाटर की भी मछलियां यहाँ पर हैं और तीसरा समुद्री पानी की भी मछलियां यहाँ पर हैं। और अहमदाबाद जो कि समुद्र किनारे से इतना दूर है, तो यहाँ पर समुद्र का पानी तैयार किया जाता है और फिर इसमें डाला जाता है। और सबसे पेचीदा सवाल ये है कि इनके लिए लाइफ सपोर्ट सिस्टम की बहुत आवश्यकता होती है, जैसे उष्णतामान चाहिए, पीएच वैल्यू चाहिए, ऑक्सीजन लेवल चाहिए, वगैरह वगैरह भिन्न बाबतों को ध्यान में रखते हुए एट द बैक एंड जिसका आपको आगे दिखता है उससे भी करीब पीछे उतना ही सपोर्ट सिस्टम चाहिए। यहाँ बनी 11 मीटर लंबी शार्क टनल, जहाँ खतरनाक शार्क आपके आसपास मंडराएंगे और आप उन्हें नजदीक से देख पाएंगे। साइंस सिटी के अंदर जो एक्वाटिक गैलरी बनी है वो अपने आप में एक अद्भुत गैलरी है और उस गैलरी में जो शार्क टनल है वो सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है। आपको लगेगा कि आप समंदर के अंदर है और आपके आसपास जो है वो समुद्री जो जीव है वो मंडरा रहे हैं। इस वक्त हम उस टनल में मौजूद है। आपको जो समंदर के अंदर अलग अलग तरह की जो मछलियाँ होती है वो दिखाई देगी और सबसे जो मुख्य आकर्षण जो है इस शार्क टनल का वो शार्क है। आपको मैं भी दिखाना चाहूँगा, हितल दिखाएगा क्या, देखिए ऊपर आपको सूरज दिखाई दे रहा होगा और नीचे शार्क और बीच में ये जो टर्नल है हमारे और दोनों के बीच में, ये अपने आप में एक अद्भुत नमूना है। आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री इसका ओपनिंग करने वाले हैं। और एक्वेटिक गैलरी में आने वाले पर्यटकों को समुद्री जीव देखने को मिलेंगे, साथ ही मछलियों के बारे में LED स्क्रीन पर ऑडियो विजुअल के साथ पूरी जानकारी भी दी जाएगी। दुनिया के अलग अलग देशों से लाई गई मछलियाँ और समुद्री जीवों के अनुरूप ही वातावरण तैयार किया गया है, ताकि इन्हें यहाँ कोई नुकसान न पहुँचे। दावा किया जा रहा है कि अहमदाबाद की एक्वेटिक गैलरी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी गैलरी है, जहाँ मछलियों का पूरा संसार बसाया गया है, जो आपको दुबई या सिंगापुर के एक्वेरियम पार्क की तरह लगेंगे। वहीं बात करें भारत में बने मछली घरों या एक्वेरियम की, तो फिलहाल देश में जम्मू का बाग बहु एक्वेरियम, मुंबई का तारापोर वाला एक्वेरियम, बेंगलुरु का सरकारी मछली घर, रामेश्वरम का सी वर्ल्ड एक्वेरियम, पोर्ट ब्लेयर का मरीना पार्क एंड एक्वेरियम पर्यटकों के बीच मशहूर है। लेकिन अहमदाबाद के साइंस सिटी में बनी एक्वेटिक गैलरी अपने आप में अद्भुत और भव्य है, जिसकी थोड़ी झलकियां आप देख चुके हैं। अहमदाबाद से पूरब पटेल के साथ टीम न्यूज नेशन। कुदरत को करीब से महसूस करना हो तो आप अहमदाबाद के साइंस सिटी में बने नेचर पार्क में जा सकते हैं। करीब 8,000 हेक्टेयर इलाके में फैले नेचर पार्क में आपको नौका विहार का लुत्फ भी उठाने का मौका मिलेगा। साथ ही इसमें जानवरों की ऐसी मूर्ति मिलेंगी जो अद्भुत कलाकारी का अपने आप में परिचय दे रही होंगी। चारों ओर हरियाली से घिरा यह मनमोहक नजारा जो कुदरत से नजदीकी का एहसास कराता है। यहाँ भालू भी है, चीता भी है, गजराज भी है और तो और सदियों पहले लुप्त हो चुका डायनोसार भी है। कला की ऐसी जादूगरी जो जीवंत दिखाई देती है, ऐसा एहसास होता है कि मानो हम जंगल की सैर पर आ गए हैं। देखिए आई लव नेचर पार्क लिखा है और इसके ठीक पीछे विशालकाय गजराज की मूर्ति बनी है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि गजराज कभी भी अपने कदम बढ़ा देंगे। अपने बच्चों को पीठ पर बैठाई ये भालू की मूर्ति भी जीवंत दिख रही है। अंडे से निकलते डायनोसार के इस बच्चे की आंखें देखिए, लग रहा है जैसे इसने अभी अभी दुनिया को देखने की शुरुआत की हो। कला का ये अद्भुत नजारा अहमदाबाद के साइंस सिटी में बने नेचर पार्क का है। अहमदाबाद के इस नेचर पार्क में कई सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं, जहां सैलानी पशु पक्षियों के साथ सेल्फी ले सकते हैं।
8000 हेक्टेयर इलाके में फैला ये नेचर पार्क शहर के सबसे बड़े सार्वजनिक पार्क के रूप में जाना जाएगा। अहमदाबाद के इस क्षेत्र में ये एक बड़ा उद्यान नेचर पार्क हमने विकास किया है जो करीब करीब 8 हेक्टेयर से भी अधिक हेक्टेयर में फैला हुआ है, करीब 20 एकड़ के आसपास। इसके अंदर बहुत कुछ चीज़ ध्यान में रखते हुए जैसे चिल्ड्रंस का प्ले एरिया है, बाम्बू मिस्ट टनल है, उसके बाद में यहाँ पर चेस एंड योगा के लिए भी थोड़ा सा प्रावधान किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर डिफरेंट कलर गार्डन है, डिफरेंट ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन पार्क भी है। नेचर पार्क में आने वाले पर्यटक यहाँ न सिर्फ खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ उठा सकते हैं बल्कि यहाँ बनी झील में बोटिंग भी कर सकते हैं। नेचर पार्क के दूसरे आकर्षणों में गार्डन ऑफ कलर, ऑक्सीजन पार्क, कैक्टस गार्डन, योग गार्डन, ओपन जिम, चिल्ड्रन प्ले एरिया शामिल हैं। इसके अलावा नेचर पार्क में बैम्बू मिस्ट फॉरेस्ट भी बनाया गया है जहां जंगल की अनोखी दुनिया में प्रवेश करते ही आप एक अनोखे रोमांच का अनुभव करेंगे। बच्चों को परिवार के साथ आने वालों को आकर्षित करने के लिए बटरफ्लाई गार्डन बनाया गया है। वहां रखे फूलों के पौधों की वैरायटी यहां की खूबसूरती में 4 चांद लगा देती है। अहमदाबाद से पूरव पटेल के साथ टीम न्यूज स्टेशन। आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले खबर पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ताज़ा अपडेट पाने के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन।